सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस अगर आपका भी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी M42 है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बैकअप रिकमेंड करूँगा, जिसे आप लोग ऑनलाइन या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हो। सो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, जो सबसे पहला बैकअपर है वो स्पाइजन की तरफ से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वालिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है ये बैकअपर। और यहाँ पर देख सकते हो आपको प्रोटेक्शन भी सारा मिल रहा है, एक्सेप्ट कैमरे के लिए प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। आप लोग कैमरे के लिए गाइस आप लोग ग्लास यूज़ कर लेना। तो इसके बाद ये बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और गाइस इसका जो बिल्ड क्वालिटी यानी कि जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे गाइस इसका जो प्राइस है देख सकते हो 1199 गाइस, क्योंकि ये जो स्पाइजन कंपनी ने इसे बनाया है इसलिए ये महंगा है, क्योंकि जो स्पाइजन है मोस्टली केवल आईफोन या फिर वन प्लस के लिए ही बैकअप बनाती है। तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है आपके डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी M42 के लिए। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो बहुत से लोगों ने रिव्यू भी दिया है और काफ़ी अच्छा बैकअप है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बाय कर लो, वरना मैं आपको बहुत सारे बैकअप इस वीडियो में रिकमेंड करूँगा, आप लोग दूसरा भी ट्राई कर सकते हो। गाइस दूसरा जो बैकअप है वो भी स्पाइजन की तरफ से ही है, बट गाइस यहाँ पे ये जो बैकअप है ये ट्रांसपेरेंट बैकअप है, और इसमें भी आपको कैमरे के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, आप लोग ग्लास यूज़ कर लेना कैमरा ग्लास। गाइस यहाँ पे ये बैकअप मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी देता है जो बैकअप वो भी ट्रांसपेरेंट देता है, बट उसका जो बैकअप है वो पीला पड़ जाता है यानी कि येलोइंग हो जाता है, बट ये बैकअप येलो नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या ये जो कंपनी है स्पाइजन ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी है, ये केवल आईफोन या फिर जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उनके लिए बैकअप बनाती हैं, खास करके आईफोन के लिए। तो इसलिए गाइस यहाँ पे पीला पड़ने का सवाल नहीं है। इसका जो प्राइस है 1099, और इसका गाइस जो बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अगर आपको ये बैकअप तभी यूज़ करना है जब आपको अपने डिवाइस का कलर ज़्यादा पसंद हो, और आपको बैकअप भी मिल जाएगा और आपके जो डिवाइस का कलर है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि आप लोग अपने डिवाइस का कलर का भी मजा ले सकते हो और बैकअप का वो भी लगा करके अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। गाइस मैं आपके लिए एक कैमरा ग्लास भी रिकमेंड कर दूंगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चाहे तो बाइक कर सकते हो, विजिट करके देख लेना, अगर आपको पसंद होगा तो आप लोग बाइक कर सकते हो, और एक टेम्पर्ड ग्लास भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। सो गाइस अब बात करते हैं दूसरे बैकअप की, अगर आपकी बजट उतना नहीं है तो गाइस यहाँ पे आपको ये स्क्वायर बैकअप देख सकते हो। गाइस आपका जो डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी M42, उसका साइज सैमसंग गैलेक्सी A32 के बराबर है। तो यहाँ पे गाइस हालांकि इस वाले जो बैकअप है स्क्वायर बैकअप, इसमें M42 लिखा नहीं था जबकि और सारे बैकअप में लिखा था, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग बाय करने से पहले देख लेना, यहाँ पे यस या फिर नो का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना बाय करने से पहले ये वाला बैकअप, क्योंकि गाइस ये बैकअप बहुत ही अच्छा बैकअप है क्योंकि ये जस्ट न्यू ही लॉन्च हुआ है, तो आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। गाइस यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है पोस्ट कर दिया है, तो एक बार अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो चेक कर लेना क्वेश्चन भी, या फिर आप लोग पूछ भी सकते हो यहाँ पर जा करके क्वेश्चन। सो यहाँ पे गाइस अगर आपको बाय करना है ये बैकअप, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप लोग जाना क्लिक करना और फिर चेक कर लेना क्वेश्चन भी। यहाँ पे गाइस जो फोटो नहीं था तो मैंने दूसरा फोटो यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा बैकअप है। यहाँ पे देख सकते हो कैमरे प्रोटेक्शन और चारों तरफ आपको कॉर्नर में बंस भी लगे हैं, तो इससे आपका डिवाइस ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा। और गाइस इसके बाद ये बैकअप जो कि मैंने दूसरा वाला स्पाइजन का ट्रांसपेरेंट बैकअप बताया था, तो उसी का गाइस यहाँ पे 2 कॉपी है जस्ट, बस उसका डी मान लो, बट यार इसमें आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहे हैं जबकि स्पाइजन में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। यहाँ पे भी गाइस जो ट्रांसपेरेंट ये बॉडी है इसका, ये भी येलो नहीं पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा क्वालिटी का बनाया गया है। सो गाइस अगर आपको बाइक करना है तो ये बाइक कर सकते हो, और यहाँ पे आपके कैमरे के लिए देख सकते हो प्रोटेक्शन है और चारों तरफ कॉर्नर में बम्प लगे हैं, अगर आपका डिवाइस गिर भी जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग चाहे तो इसे भी बाइक कर सकते हो अगर आपके पास पैसे हों तो, मतलब पैसे तो होंगे यार तभी तो यार बाइक करोगे सॉरी। तो गाइस यहाँ पे ये जो बैकअप है ये 400 का है, यानी कि 399 का, आप लोग इसे कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो इसके कैमरे के लिए एक्स्ट्रा बम्प्स निकले होते हैं, यानी कि जो एज होते हैं वो निकले होते हैं 0.5 mm या फिर 0.1 mm, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो जो मेन इसका फीचर है यही है एब्जॉर्ब इम्पैक्ट, यानी कि जो बम्प लगे हैं कॉर्नर में अगर आपका डिवाइस गिरेगा तो फोर्स जो लगते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बैकअप है आपके डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी M42 के लिए, जैसे कि आप लोग अमेजोन से बाइक कर सकते हो या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से बाइक कर सकते हो। सॉरी गाइस इसका जो प्राइस है वो 299 है, मैंने देखा नहीं था। सो गाइस इसको भी बाइक कर सकते हो, या फिर गाइस यहाँ पे दूसरा बैकअप जो मैंने स्पाइजन का पहला वाला रिकमेंड किया था ब्लैक वाला, उसका ये डी मान लो,
इसमें भी गाइज आपको सेम फीचर मिल रहे हैं जो कि फाइजन वाला दे रहा था। हालांकि कैमरे के लिए आपको गाइज इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, आपको इसमें भी आपको एक कैमरा ग्लास लगवाना होगा, तभी आपका जो डिवाइस है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको डिवाइस को मिलेगा। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो चारों कॉर्नर में आपको बम्प्स लगे हैं, तो बेस्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस वाले बैकवर्ड यूज़ करने में। और यहाँ पे देख सकते हो जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग गाइज डिस्क्रिप्शन और इसका जो ब्रांड है गाइज उसका लस्ट्री की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। और गाइज जो लस्ट्री है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वो भी काफ़ी ब्रांडेड है। और गाइज जो इसका प्राइस है 499, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग बाई कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अमेजोन से भी बाई कर सकते हो। गाइज जो अब बैक कवर है ये बैक कवर इसे मॉन्स्टर बैक कवर भी बोल सकते हो, काफ़ी हैवी लुक देखने में लगेगा बट लाइट सा है। और यहाँ पे गाइज देख सकते हो आपको पीछे में एक स्टैंड भी मिल जाएगा, यानी कि रिंग भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग लगा करके मतलब वीडियोस भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो देख सकते हो प्रोटेक्शन के लिए कैमरे में 0.5 mm एज जो है वो उठा हुआ है, ताकि आपका जो प्रॉब्लम जो रब यानी कि अगर बैक साइड से रखोगे मोबाइल को तो भी रब नहीं होगा कैमरे में, प्रोटेक्शन बचा रहेगा। फिर भी गाइज आप लोग इसमें एक कैमरा ग्लास लगवा लेना, नहीं तो स्क्रैच तो पड़ ही जाएगा। अगर आपका जो कैमरे के लिए कटआउट्स बने होते हैं वो वाला अगर आप लोग बैक कवर यूज करोगे तो उसमें आप लोग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट इस टाइप के बैक कवर में आपको कैमरा ग्लास ज़रूर लगवा लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपको मिल जाएगा रिंग, जिसे आप लोग 360 रोटेट कर सकते हो और 120 डिग्री अप डाउन यानी कि आगे पीछे, तो ये भी फीचर है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा कम है बट फिर भी काफ़ी अच्छा बैक कवर है। इसे भी चाहे तो आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हो। और गाइस इसका जो प्राइस है वो 399 का है। तो अब बात करते हैं गाइस दूसरे बैक कवर की, जो कि ये देख सकते हो, इसे भी चाहे तो आप लोग बाई कर सकते हो। बाकी गाइस जो बैक कवर मैंने स्टार्टिंग में रिकमेंड किए थे वो सारे बेस्ट थे, ये भी बेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हो कैमरे के लिए अलग से कटआउट्स बने हैं, यानी कि इसमें आपको कैमरे ग्लास की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग ऐसे ही यूज कर सकते हो। बट ये जो पीस पीस में रहेगा आपको जो ब्लू वाला है वो अलग से रहेगा, उसको आप लोगों को फिट करना होता है और ये बाद में ढीला भी हो जाता है। तो आप लोगों को अगर आपको बाय करना हो तो बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग एक आध साल में बैक कवर चेंज करोगे तो ये वाला बैक कवर भी सही है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बाय करना है कि नहीं, आपको लुक भी होना चाहिए, यानी कि अगर आपको लुक पसंद है तो आप लोग बाय कर सकते हो इसे भी। 399 का ये बैक कवर है, डायरेक्टली लिंक से बाय करो या फिर अमेजोन पर भी सर्च करके बाय कर सकते हो। सो गाइज अब बात करते हैं दूसरे बैक कवर की, यानी कि गाइज अब एक स्मोकी बैक कवर है, उसे भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ जो कि अमेजोन पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि गाइज आप लोग इसका प्राइस है 250 या क्या अप्रॉक्स होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भी गाइज जो ट्रेंडी बैक कवर है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसका कटआउट्स बना हुआ है कैमरे के लिए। इसमें भी आपको कैमरे ग्लास की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कटआउट्स हैं तो बेटर आपको रहेगा इस वाले बैक कवर में भी। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ब्लरी डिज़ाइन या फिर स्मोकी डिज़ाइन है वो भी काफ़ी कूल है। गाइज इस तरह से आपको फ़ोटो में देखने में उतना कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो, बट ये बैक कवर बेस्ट है। मैंने चेक किया था यूट्यूब पे भी, मतलब और भी डिवाइसेस के लिए भी चेक कर सकते हो, तो उसका बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी डाला था, तो ये भी बैक कवर बेस्ट है। अगर आपको पसंद हो तो बाय कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैमरे के लिए भी इसमें भी प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं यानी कि DPU बॉर्डर, कैमरा प्रोटेक्शन के लिए मॉड्यूल और PC बैक पैनल, बाकी सारे ये सब के सब अच्छे क्वालिटी के बने होते हैं। और ये जो बैक कवर है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का भी है, तो इसे कहते हैं आप लोग बाइक करना है तो आप लोग 299 का इसे बाइक कर सकते हो। सो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, और हाँ यहाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैंने भी डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पर्ड ग्लास भी रिकमेंड किया है, अगर आपको बाइक करना हो तो उसे भी बाइक कर सकते हो।